बड़ी ही बर्बरता यहाँ दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंजा। दोस्तों, दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देना, ये एक कहावत है जो हिंदुस्तान में अक्सर कदम कदम पर बोली ही जाती है। लेकिन यही कहावत आज की हमारी खबर में किस तरीके से सही साबित होती नजर आती है, ये आप बाखूबी देख पाएंगे। आपको ध्यान होगा, जब देश के हालात बहुत बुरे चल रहे थे, जब कोरोना काल में पूरा देश झूंझ रहा था, उस वक्त डॉक्टर ही इकलौते ऐसे, इस पूरे अगर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो डॉक्टर अलग ही एक मुकाम पर थे, जो सारे मरीजों के लिए, या यूं कह लो कि कोरोना की एक जड़ी बूटी की तरह काम कर रहे थे। जहां पर लोग कोरोना मरीजों से दूर भाग रहे थे, वहां सिर्फ डॉक्टर ही थे जो उनके नजदीक रहकर उनका ख्याल रख रहे थे, अपनी जान की बिना परवाह किए। वही हिंदुस्तान में भी डॉक्टर का यही हाल था, और हालांकि डॉक्टरों को सलाम भी किया गया था उनके इस काम के लिए, उनके ऊपर फूल बरसाए गए थे, तालियां बजाई गई थी, थालियां बजाई गई थी, और तमाम तरह की चीजें डॉक्टरों के साथ हुई थी। लेकिन वही अब दोबारा से ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है जहां कोरोना की एक और लहर सामने आकर खड़ी होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड से एक खबर निकलकर सामने आई है जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। वही खबर आप आए दिन ही देखते होंगे, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, वो सारा कोरोना काल भुलाकर किस तरीके से डॉक्टरों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून से एक खबर निकलकर सामने आई है जहां पर ये देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरीके से डॉक्टरों के साथ बर्ताव करती नजर आ रही है। वही डॉक्टर जिन्होंने कोरोना काल में देश का इतना साथ दिया, देश के लोगों को किस तरीके से एक हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वही पुलिस कितनी बेरहमी, कितनी बर्बरता दिखाती आ रही है, दिखला रही है डॉक्टरों के साथ, और सीएम धामी की जो सरकार है किस तरीके से खामोश नजर आ रही है, ये भी देखा जा सकता है। और बीजेपी राज में ये सब देखना आम बन गया है। मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये देहरादून का वीडियो है जहां पर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं और तमाम पुलिस उनके ऊपर लाठी बरसाती है, लात घूसे बरसाती है, उन्हें घसीटती हुई, मारती हुई नजर आती है। लेकिन पूरा माजरा क्या है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले ये वायरल वीडियो पर आप नजर डालिए और देखिए कि पुलिस की बेरहमी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों को लेकर किस तरीके से ये बर्ताव किया जा रहा है, बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। एक नजर इस वीडियो पर। बड़ी ही बर्बरता यहाँ दिखाई, देखा आपने उत्तराखंड के यूथ कांग्रेस के ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे होंगे, ये वीडियो भी ट्वीट किया है साथ में जो आपने अभी देखा। उन्होंने लिखा है कि पहले लड़े कोरोना से और अब लड़ रहे हैं सरकार से। भाजपा सरकार में उत्तराखंड के युवाओं की हालत देखिए। ये आपने ट्वीट देखा, वीडियो देखी जो कांग्रेस के, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से
ट्वीट किया गया है, लेकिन यही काफी नहीं है। खबर अभी यही समाप्त नहीं होती है, मामला अभी यही समाप्त नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि ये इन वीडियोस में तो आपने ये देखा कि पुलिस का एक छोटा सा ट्रेलर देखा आपने, अभी पिक्चर बाकी है। आप एक और वीडियो देखेंगे जो इसी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, जहां पर एक युवक, एक कर्मचारी बेहोश हो जाता है और वहां के एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हुए किस तरीके से बतला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि युवाओं की क्या हालत हो गई है। ये वही डॉक्टर हैं जिनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे एक वक्त में, और आज यही डॉक्टर सड़क किनारे बेहोश पड़ा है और पुलिस कैसी बर्बरता दिखा रही है, सरकार खामोश नजर आ रही है और किस तरीके का वहां माहौल है, और ये युवक किस तरीके से, ये कर्मचारी कैसे बेहोश पड़ा हुआ है, कैसे एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस में डालकर इनको ले जाया जाता है, जिंदगी और मौत के बीच ये डॉक्टर जूझ रहे हैं, और ये देन सिर्फ सरकार की है जिससे कोई सवालात खड़े नहीं कर रहा है। सरकार के ऊपर कोई सवाल आखिरकार खड़े क्यों नहीं किए जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आप इस कर्मचारी की वीडियो पर एक नजर डालिए और देखिए कि किस तरीके से सड़क किनारे ये कर्मचारी बेहोश पड़ा हुआ है। एक नजर इस वीडियो पर। हुआ है जो यहाँ आंदोलन कर रहे थे और ये पीपीपी किट इन्होंने पहनी थी, ये सोच के कि मेरे ऊपर फूल बरसाए गए थे जब मैं कोरोना वॉरियर्स था, खूब फूल बरसाए, मेरे लिए थाली ताली भी बजाई, मेरे लिए थाली भी बजाई, सब कुछ बजाया, लेकिन आज मैं इस हाल में क्यों पड़ा हूं, ये पूछ रहा है कि थाली और ताली बजाने के बाद भी मैं इस हालात में क्यों हूं। और यकीन मानिए ये बेहोश होके गिर पड़े, ये इस राज्य का युवा है, ये हालत इस राज्य की है, 22 साल हो गए राज्य को बने हुए और इस हालत को देखिए, ये युवा नहीं बड़ा है, ये उत्तराखंड पड़ा है जिनको इन्होंने चुना है और आज ये इस हालत में पड़े हैं। नेताजी अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे ना तो गौर से देखिएगा इस युवा को, इसने भी वोट दिया होगा किसी ना किसी को, लेकिन कैसी हालत में पड़ा है, कौन सोचेगा इसके बारे में। और ये वही युवा हैं जिनको हम आपको दिखा रहे थे, इनको एम्बुलेंस में डाला था। देखा आपने, ये डॉक्टरों की हालत है, वही डॉक्टर जो एक मरीज को होश में लाता है आज सरकार को होश में लाने के लिए खुद बेहोश पड़ा है, सड़क किनारे बेहोश पड़ा है, ये आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। और पुलिस की सारी सीमाएं तो जब पार हो जाती हैं, जब पुलिस एक गर्भवती महिला के पेट पर लात रख देती है, आप सोच सकते हैं, ये सुनकर भी रूह कांप जाती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। मैं पहले आपको, आपने ये वीडियोस देखी, ट्वीट भी देखा, लेकिन अभी मैं आपको वो खबर भी दिखाऊंगी कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, क्यों ये डॉक्टर धरने पर बैठे, क्यों पुलिस को इनके ऊपर इतनी बर्बरता दिखानी पड़ती है, क्यों सरकार इतनी खामोश नजर आती है, और उस गर्भवती महिला का आखिरकार हुआ क्या, ये आपको पूरी खबर दिखाऊंगी। लेकिन स्क्रीन पर आप ये पहले खबर देख रहे होंगे कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये अमर उजाला ने खबर छापी है जो कि देहरादून की खबर है, स्क्रीन पर आप खबर देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा है कि कोरोना काल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी पर रखे गए और अब हटा दिए गए स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवा विस्तार की मांग की, ये लिखा है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया और पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास से काफी पहले हाथी बड़कला गेट के सामने बैरिगेटिंग लगाकर कर्मचारियों को रोक लिया। विरोध में कर्मचारी वही धरने पर बैठ गए और इस दौरान दोनों तरफ से जाम लग गया। पुलिस प्रशासन ने कोरोना योद्धाओं को जबरन उठाने का प्रयास किया।
ये आपने खबर देखी और सुनी भी कि किस तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोरोना काल में कर्मचारी डॉक्टर रखे जाते हैं और उसके बाद अचानक एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, एक तरीके का दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देना, वही हिसाब हुआ है। जहां पर जरूरत पड़ी तो रख लिया, अब जरूरत नहीं है तो फेंक दो, ये वही हिसाब हुआ जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए ये डॉक्टर धरने पर बैठे। और पुलिस किस तरीके से अपनी बर्बरता को दिखाती नजर आई, आपने इस वीडियो में देखा ही कि महिला पुलिस किस तरीके से डॉक्टरों को घसीट रही है, किस तरीके से दिखा रही है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती नजर आ रही है, और उसके बाद भी सरकार खामोश है। बार बार मैं बोल रही हूं कि सरकार आखिरकार क्यों खामोश है। आप आगे भी खबर देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह लिखा है इस दौरान कोरोना योद्धाओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस और कर्मचारियों में हाथापाई, धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने लगभग 100 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पीएससी के ट्रकों में भरकर पुलिस लाइन के लिए रवाना किया। आगे लिखा है कि धक्का मुक्की में एक आउटसोर्स गर्भवती महिला कर्मचारी, एक और अन्य महिला कर्मचारी चोटिल हो गई, और कर्मचारियों का आरोप है कि गर्भवती महिला कर्मचारी के पेट पर महिला पुलिस कर्मचारी ने पैर रख दिया जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। वह लगातार उल्टियां कर रही है। साथ ही कर्मचारियों द्वारा गर्भवती महिला को उपचार के लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। कि ये खबर आपने स्क्रीन पर देखी, आपने सुनी, आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि पुलिस कितनी बेदिल हो गई है, या यूं कहूं कि ये भाजपा की आवाज है जो पुलिस के एक्शंस में नजर आती है। आप सोच सकते हैं, एक गर्भवती महिला के पेट पर लात रख देना, ये किसी पुलिस क्या किसी अन्य नागरिक को भी एक अंदर की इंसानियत पर सवाल खड़े करता है। और आप इस खबर को देखने के बाद, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद ये तो समझ सकते हैं कि डॉक्टरों के साथ, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, कैसा बर्ताव हो रहा है उनके साथ। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि में देवों के साथ, जहां डॉक्टरों को दूसरा रूप कहा जाता है भगवान का, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये तमाम वीडियोस और ये खबर साफ तौर पर दर्शा रही है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार कब तक अंधी और गूंगी बनी रहेगी, कब तक धामी अपने मुंह पर टेप लगाए रहेंगे, कब तक भाजपा का गुंडाराज तमाम राज्यों में फैलता रहेगा। आप देख ही रहे होंगे देश भर में धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, लेकिन जो लोग अपने काम के नाम पर लड़ाई करते हैं, तब ये पुलिस कैसे नजर आती है, किस तरीके से एक उदाहरण देती नजर आती है कि अगर आवाज उठाओगे अपने लिए तो मारे जाओगे, और वही इन वीडियोस में, इन खबरों में देखा जा सकता है। इस पूरी खबर को देखने के बाद, तमाम वीडियोस को देखने के बाद, और ये पुलिस किस तरीके से आम जनता की रक्षा का वादा करती है, और यही रक्षक जब भक्षक बन जाता है तब क्या हाल होता है, ये तमाम वीडियोस और खबरें चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, भाजपा की नीतियों को लेकर, और ये जो भाजपा की जो गुंडे हैं जिन्हें पुलिस कहा जाता है, इनको लेकर धामी की खामोश जिस तरीके से नजर आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, डॉक्टरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे दी कंटाल। धन्यवाद।